कटहल की सब्जी आज हमने तैयार की है। इंसानी जिस्म के लिए कटहल के बहुत सारे फायदे हैं। आए हम बताएं कटहल की सब्जी कैसे तैयार होती है। चैनल हाउस वाइफ एज अ शेफ में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं कटहल की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी भी है और फल भी है। इसको जब ये सब्ज़ी बनाएं तो आप इसको सब्ज़ी कह सकते हैं, वैसे ये खाया जाता है, ये फ्रूट में भी आता है। ये फल बहुत मुफीद है, ये कोलेस्ट्रॉल और सर के बालों के लिए बहुत मुफीद है। ये इसको खाने से ये सर के बाल भी बढ़ते हैं और खून का दौरान खून भी अच्छा चलता है। चलें अब हम इसको काटने की तरफ चलते हैं। इसको हम काटते हैं, सबसे पहले ये हम हटाएंगे। इसमें से एक दूध की तरह चीज़ निकलती है और इसको हम इंग्लिश में इसको जैक फ्रूट कहते हैं और उर्दू में कटहल बोलते हैं। सबसे पहले हम अपने हाथों और बर्तन में सरसों का तेल लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो दूध निकलता है वो हमारे हाथों को चिपक जाएगा, फिर वो कुछ काम करने नहीं देगा। इसको काटने से पहले हाथ में सरसों का तेल लगा लेते हैं और जिस बर्तन में हम काटेंगे उसमें भी, और जिस छुरी से काटेंगे हम उसको भी हम इस तरीके से इसको, अब वो जो इसमें से दूध निकलता है वो चिपकेगा नहीं, वरना वो फौरन कट निकलते ही जमना शुरू होता है। छुरी में लंबी तेल लगाएं, एहतियात से कहीं हाथ ना कट जाए। इस तरीके से मैंने सब चीज़ों को लगा लिया है सरसों का तेल, अब इसको मैं काट दूँ। इसका फल बहुत ज़्यादा मीठा होता है, यानी आम से भी ज़्यादा ही मीठा होता है जब ये पक जाता है। काट लेंगे, इसका छिलका भी उतारेंगे और ये जो चीज़ है ये बीज की, ये हम सब निकाल देंगे। एहतियात से काटते हैं क्योंकि थोड़ा सख्त होता है, मुश्किल से कटता है, आसानी से नहीं कटता। और इसमें ये बीज हैं, इसके बादाम की तरह बीज होते हैं इसके। अब मैं इसको काट लूँगी और ट्यूब्स की शक्ल में निकाल लूँगी। यह मैंने इसमें से निकाल के साफ करके जितना मुझे पकाना था उतना मैंने ले लिया है कटहल को, ये मैंने निकाल लिया है। इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। अब इसको मैं बॉईल करने की तरफ जा रही हूँ। अब मैं इसको बॉईल करने की तरफ चलती हूँ। ये कटहल मैंने धो लिया है अच्छा सा। अब इसको मैं पानी में डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे और इसको बॉईल करने के लिए रख रहा हूँ। ये देखें ऐसा नज़र आ रहा है कटहल, जैसे गोश्त की बोटियाँ। मैं आधा टीस्पून नमक डाल रही हूँ इसमें और फिर बाकी नमक हम मसाले में डालेंगे। अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। हमने कटहल को दूसरे चूल्हे पे बॉईल करने रख दिया है जब तक हम मसाला भूनते हैं। ये मैंने एक डिश का चम्मच तेल डाला है इसके अंदर। अब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें सबसे पहले हम जीरा डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम सबसे पहले एक टीस्पून जीरा डालेंगे। जब जीरा डाल जाएगा, ये दो हमने दालचीनी की उंगलिए हैं, दोनों को हम तड़काएंगे, यानी जीरा लाल हो जाए और तो थोड़ा सा तड़क जाए। ये देखें जीरा हमारा लाल हो गया है और ये भी तड़कने शुरू हो गई है। अब हमने एक छोटी प्याज ली थी,
टेबल स्पून नमक, क्योंकि हम नमक पहले इसमें डाल चुके हैं। और ये मैंने हरी मिर्च और लहसुन पीस के रखा हुआ है, ये हम 2 टेबल स्पून डाल देंगे। हम मसाले को भूनेंगे अच्छा सा, और इसको हम कम आंच पे ढक देंगे ताकि मसाला अच्छा सा भुन जाए। ये कटहल हमने बॉईल कर ली है, ये देखें कितना अच्छा गल गया है, गर्म है, मेरे हाथ हो रहे हैं लेकिन ये गल गया है बहुत अच्छा। ये देखो किस तरह टूट रहा है, और मसाला भी हमारा भुन गया है। चले अब हम मसाला देखते हैं, फिर उसमें इसको डालेंगे, कटहल को हम इसमें शामिल करेंगे। तेल ऊपर आ गया है और अच्छी खुशबू आ रही है मसाले में से, हम इसको कटहल को हम इसमें डाल देंगे मसाले में। हम इसको 7 मिनट के लिए कम आंच पर इसको हम ढक देंगे और छोड़ देंगे, ताकि कटहल के अंदर जो मसाला है वो अंदर चला जाए, इसलिए इसको 7 मिनट के लिए हम ढक के छोड़ देंगे। ये हमारी कटहल की सब्जी तैयार हो गई है, देखिए तेल जैसे जैसे ऊपर आ गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, खाने में भी बहुत जायकेदार है ये। तैयार हो गया है, अब हम सर्व करने की तरफ जाते हैं। चूल्हा बंद कर रही हूँ मैं, इसकी अफादियत गोश्त के बराबर है, जो हम बीफ का या किसी भी गोश्त खाते हैं इसमें वो सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। कटहल में वो सारे विटामिन्स हैं जो गोश्त में होते हैं, इसलिए जो गोश्त नहीं खाता हो वो कटहल की सब्ज़ी खा ले, बात बराबर हो जाती है। हमारा तैयार हो गया है कटहल की सब्ज़ी, इसमें हम धनिया डाल रहे हैं। ये शोरबे वाली भी पकती है और भुनी हुई भी पकती है, आप जैसा खाना चाहें। इसमें अगर अभी शोरबा थोड़ा सा करना होता तो शोरबा कर लेते, तो ये शोरबे वाली हो जाती, और अभी इसमें हमने भुना हुआ रखा है तो ये भुने हो गई। इसे बनाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी तैयार कैसी बनी है ये। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल हाउसवाइफ एज अ शेफ को। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।